नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम नवनीत गौतम्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी बीए बीकॉम सेकंड ईयर के लिए आपका संस्कृत फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस जारी हैं, जिसके अंतर्गत महान विभूतियों की श्रृंखला में आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आचार्य कौटिल्य के बारे में। तो आचार्य कौटिल्य, इनके नाम से भारत का प्रत्येक व्यक्ति परिचित है, सभी इनके बारे में जानते हैं, एक प्रसिद्ध नाम है भारत, ठीक है, भारत देश में। तो इन्हें कई नामों से जाना जाता है, आचार्य कौटिल्य भी इन्हें कहा जाता है। तो कौटिल्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं जो कौटिल्य हैं वो कूटनीति के बारे में बड़ा ज्ञान रखते थे, है ना। इन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो जो चाणक्य हैं वो कूटनीति के बारे में ज्ञान रखते थे बहुत ज़्यादा, है ना। राजनीति में किस राजा को किस कूटनीति से हराया जा सकता है, किस संबंध में किस नीति का प्रयोग करना चाहिए, यानी वो कूटनीतिकार थे, कूटनीतिज्ञ थे। इसी कारण कूटनीति के जानकार होने के कारण ही इनका नाम क्या पड़ा, कौटिल्य। कौटिल्य शब्द किससे बना है, कौटिल्य का अर्थ है कुटिलता, ठीक है, कुटिलता यानी कूटनीति यानी चतुराई। तो वो चतुराई से कार्य करना जानते थे, है ना। उनकी नीतियाँ कुछ इस तरीके से थी कि जो जीवन में काम आए, तो कुटिलता यानी कूटनीति यानी कि चतुराई, ठीक है। तो कुटिलता से क्या वर्ड बना, कौटिल्य। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कुटिलता जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में समाहित है वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, कौटिल्य। तो इसी कारण विद्वानों ने इन्हें किस नाम से संबोधित किया, कौटिल्य। तो आचार्य कौटिल्य इन्हें इसी कारण कहा जाता है, ठीक है। वैसे बाकी इनके पिता के द्वारा जो इनका नाम रखा गया था वो वैसे इनका वास्तविक नाम क्या था, विष्णुगुप्त, है ना। तो आप देख सकते हैं इनका मुख्य नाम तो विष्णुगुप्त था, विष्णुगुप्त इनके पिता के द्वारा रखा गया नाम है, ठीक है। और कौटिल्य नाम क्यों रखा गया मैंने आपको बता दिया है। और इनके पिता का नाम चाणक्य था, तो चाणक्य का जो पुत्र है उसे चाणक्य कहा जाएगा, ठीक है, क्लियर है। जैसे प्रथा के पुत्र को पार्थ कहते थे, अर्जुन को, है ना, प्रथा नाम था ना कुंती का, तो प्रथा का पुत्र पार्थ कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो चाणक्य का पुत्र है वो चाणक्य कहलाएगा। मैंने बताया था पाणिनी, पाणि पाणि था महर्षि पाणिनी के पिता का नाम, तो जो पाणि का पुत्र है वो पाणिनी है। वो संस्कृत व्याकरण में होता है कि पिता का यदि ये नाम है तो पुत्र का ये नाम होगा, संतान का ये नाम होगा, है ना। ऐसा एक संस्कृत में शब्द बनते हैं इस तरीके से, है ना। तो जिसके पिता चाणक्य हैं उसके पुत्र, मतलब चाणक्य के पुत्रों का नाम क्या होगा, पुत्रों का नाम क्या होगा, चाणक्य। तो चाणक्य ये ही नहीं है, चाणक्य यदि चाणक्य और पुत्र भी होते तो वे भी क्या कहलाते, चाणक्य कहलाते। तो चाणक्य का अर्थ क्या हुआ, चाणक्य का पुत्र, ठीक है। तो इनके पिता का नाम चाणक्य है, इस नाम से ये सिद्ध होता है। तो चाणक्य नाम कहाँ से आया बताया मैंने, पिता के नाम से मिला चाणक्य। विष्णुगुप्त पिता ने रखा इनका नाम, पिता प्रदत्त नाम है। और कुटिलता यानी चतुराई यानी कूटनीति में योग्य होने के कारण इनका नाम आचार्य कौटिल्य भी पड़ा, ठीक है। तो तीनों नाम इनके क्यों थे मैंने बताया, इस पर भी आपका एक पूरा पैराग्राफ बन जाएगा, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ तो देखो कुछ ही वर्ड लिखे रहते हैं, लेकिन इनकी मैं एक व्याख्या कर देता हूँ और उन्हें आप अपने शब्दों में लिख करके आएंगे तो आपका जो टिप्पणी है वो कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा देखो, इनका सबसे बड़ा योगदान क्या है, आप जानते हैं ये एक बड़े राजनीतिकार थे, बड़े कूटनीति को जानने वाले व्यक्ति थे। तो राजनीति शास्त्री थे ये, राजनीति शास्त्र के जानकार थे। राजनीति शास्त्र में इन्होंने एक अद्भुत ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या है, प्रमुख ग्रंथ इनका जो अद्भुत ग्रंथ है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, ये तो जीएस में भी क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे, आचार्य चाणक्य, जिन्हें आप कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र सुनने में लगता है कि अर्थ संबंधी धन संबंधी होगा, लेकिन ये राजनीति शास्त्र का ग्रंथ है, आप ये बात याद रखेंगे। तो राजनीति शास्त्र का ग्रंथ है, तो आचार्य चाणक्य को राजनीति शास्त्री माना जाता है, राजनीतिज्ञ माना जाता है, यानी राजनीति के जानकार थे वो बड़े, ठीक है, कूटनीति के बड़े जानकार थे। और बाकी अर्थशास्त्र में 150 अध्याय हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं,
तो 150 अध्यायों का एक विशाल ग्रंथ है जो राजा के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, राज्य में किस प्रकार से प्रजा संतुष्ट रहेगी, राज्य को बाह्य शत्रुओं के आक्रमण से किस प्रकार बचाया जाएगा, है ना, राज्य में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं किस प्रकार से चलाई जाएं ताकि प्रजा संतुष्ट रहे, राज्य में अनुशासन कैसे बनाया जाए, राज्य के जो लोग हैं उन्हें प्रसन्न और संतुष्ट कैसे रखा जाए, ये बहुत तरह की राज्य से संबंधित, राजकाज से संबंधित जो बातें हैं, राजनीति से संबंधित जो बातें हैं, राजाओं के क्या क्या गुण होने चाहिए, ये सब बातें हैं ना, वो किस ग्रंथ में उन्होंने लिखी हैं, अर्थशास्त्र में। और एक विशाल काय ग्रंथ है, 150 अध्यायों का ग्रंथ है, तो बड़ा महान ग्रंथ है ये, ठीक है। इसके बाद एक इनका इन्होंने 340 श्लोकों का एक छोटा ग्रंथ भी लिखा है जिसमें 17 अध्याय हैं। ये वैसे भी, वैसे तो राजनीति शास्त्र से ही संबंधित ग्रंथ है, लेकिन इसमें जन साधारण के व्यवहार की बातें भी काफ़ी मात्रा में सम्मिलित हो गई हैं कि व्यक्ति को अपने संबंधों में क्या करना चाहिए, व्यक्ति को किस रिश्ते को निभाते हुए क्या व्यवहार करना चाहिए, यानी पुरुष का नारी के प्रति क्या संबंध होना चाहिए, नारी का पुरुष के प्रति क्या संबंध होना चाहिए, है ना, संबंध मित्र के साथ किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, मित्र सच्चा मित्र कौन होता है, शत्रु कौन है, इस तरीके की जो व्यवहारिक बातें हैं, ये सब बातें भी इस ग्रंथ में देखने को मिलती है। लेकिन एक थोड़ा पुराने लोगों की सोच ऐसी ही होती थी, आचार्य चाणक्य को यदि आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे थोड़ा नारी विरोधी थे। वो कहते थे कि नारी का एक बार को सम्मान तो किया जा सकता है, लेकिन उसे शिक्षित नहीं करना चाहिए, है ना। नारी यदि शिक्षित होगी तो वो एक इस तरीके से मानो जैसे सांप को दूध पिला देते हैं तो वो जहरीला हो जाता है, तो नारी यदि शिक्षित होगी तो वो जहरीली हो जाएगी, वो बात नहीं मानेगी, समाज फिर व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल पाएगा। तो ये आज के समय में आप सोचते हो तो ये सोच थोड़ी विकृत से लगती है, लेकिन पुराने समय में सभी की सोच ऐसी थी, तो इसमें किसी को क्या कहा जाए। तो मैंने कहा चाणक्य नीति में सामान्य जन साधारण से के व्यवहार से संबंधित इसमें काफ़ी बातें मिलती हैं। वैसे तो ये राजनीति शास्त्र का ही ग्रंथ है, ठीक है। और इनका जन्म जो है 400 ईस्वी पूर्व ईसा मसीह के जन्म से 400 ईस्वी पूर्व लगभग अनुमान है, है ना, पूर्णतः क्लियर तो नहीं है। जन्म स्थान इनका तक्षशिला है, तक्षशिला कहाँ पर है, अफगानिस्तान में, है ना, मिलेगा आज तो, पहले भारत में ही था तक्षशिला, गांधार, है ना, ये सब भारत में ही थे जो आज अफगानिस्तान में पढ़ते हैं, ठीक है। और इनका एक बड़ा योगदान क्या था, एक छोटा बच्चा था, है ना, आपने सुना होगा कथाओं में, वो खेल रहा था, है ना, लेकिन वो न्याय कर रहा था, है ना, कुछ नाटक कर रहा था, तो इन्होंने उसके अंदर की विद्वता को पहचाना कि यार ये व्यक्ति, ये लड़का एक राजा बनने के योग्य है, इसके अंदर भी सब विशेषताएँ हैं, तो वे सड़क से उठा करके एक सामान्य बालक को एक पूरे भारत का, अखिल भारत का पूरा सम्राट उन्होंने बनाया, जिन सम्राट को आप सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते हैं। तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट किसने बनाया, तो आचार्य चाणक्य ने बनाया, ठीक है। और फिर जब वो सम्राट बने तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के ये मंत्री नियुक्त हुए, यानी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के ये गृह मंत्री थे, ठीक है। और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने वाले आचार्य चाणक्य ही थे, ठीक है। तो आचार्य चाणक्य का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के सिंहासन में, उनके पूरे साम्राज्य की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान है। और उस समय के जो शासक थे, जो क्रूर शासक थे, जो अपनी प्रजा का अच्छे से ध्यान नहीं रखते थे, जो अत्याचारी शासक थे, उन सबको साइड करके चंद्रगुप्त जैसा महान सम्राट भारत को देने के क्रम में भी इनका बड़ा योगदान है, क्योंकि सम्राट चंद्रगुप्त एक ऐसे महान सम्राट हुए जिनके बाद भारत बहुत सशक्त बना, भारत बहुत मजबूत बना, और फिर मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश के सम्राट चंद्रगुप्त उसके प्रवर्तक थे, है ना, संस्थापक थे। फिर वो मौर्य वंश बहुत आगे चला और मौर्य वंश में एक पूरी पृथ्वी के सबसे महान सम्राट हुए, जो सम्राट चंद्रगुप्त के पौत्र थे, जिनका नाम आप सभी जानते होंगे, सम्राट अशोक। वो इतने महान सम्राट हुए कि उन्होंने भारत ही नहीं पूरे विश्व में उनका बहुत नाम हो है आज भी,
और पूरे विश्व में सबसे महानतम सम्राट उन्हें माना गया है। उन्होंने अखंड भारत पर राज किया, भारत की सीमाओं को बहुत दूर दूर तक विस्तृत किया, लगभग आधी पृथ्वी पर उनका शासन था, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो सम्राट चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की और मौर्य वंश ने भारत को इतना अधिक कुछ दिया। सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त, इन सभी राजाओं ने भारत को बहुत ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचाया। तो वो सब सम्राट चंद्रगुप्त को जो मिला, जो मौर्य वंश ने भारत के लिए किया, वो सब किसकी देन है? आचार्य कौटिल्य की। ठीक है, तो आचार्य कौटिल्य को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे ये सब। ठीक है, मैंने आपको बताया, जो जो बातें मैंने बताई हैं आप उसे अच्छे से लिख देंगे। ठीक है, थोड़ा पैराग्राफ में लिखोगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, जो बातें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, तो आप इसे तैयार कर लेना, बाकी क्लासेस आपकी चलती रहेगी। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।